नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी चैनल ऑल इन वन गिरो पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नान खटाई। इससे पहले आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे। चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। मैदा लिया है 1 कप, घी लिया है 1/2 कप, चीनी ली है, सुई ली है 2 टेबल स्पून, बेसन लिया है 2 टेबल स्पून, पिस्ता लिया है 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर लिया है। घी निकाल लेंगे एक बाउल में। चीनी लेंगे, इसे हम अच्छे से फेंटेंगे। चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। देखिए चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बेकिंग पाउडर लेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। बेसन लेंगे, रवा लेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा लेंगे, मैदा हम थोड़ा थोड़ा लेंगे, हमें 1 डो तैयार करना है, तो इसे भी अच्छे से घी में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। हम सारा मैदा डाल देंगे। अब 1 डो तैयार कर लेंगे। देखिए डो अभी हमारा सूखा है, हमने 1/2 कप घी लिया था, 1-2 चम्मच घी और ले सकते हैं, आप चाहें तो दूध भी ले सकते हैं 1-2 चम्मच। अब हम इसे डो तैयार कर लेंगे। डो लगा लिया है। हम नान खटाई को कुकर में बनाने वाले हैं। कुकर लिया है, इसके अंदर हमने नमक बिछा दिया है, 1 स्टैंड लिया है, 1 प्लेट ली है जिसमें हम नान खटाई बना के रखेंगे। इसमें हमने घी लगा लिया है। अब हम नान खटाई तैयार कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार नान खटाई बना के तैयार करना है। छोटी या बड़ी जैसे भी आपको बनानी चाहे वैसे आप नान खटाई बना सकते हैं। तो हमने ये साइज़ तैयार किया है। देखिए नान खटाई हमने बना के तैयार कर ली है। अब चाकू की मदद से हम इनमें थोड़ा सा कट लगा देते हैं, थोड़ा पिस्ता लगा देते हैं सभी में। पिस्ता, बादाम, जो भी लगाना चाहे आप वो लगा सकते हैं। देखिए सभी नान खटाई में हमने पिस्ता लगा दिया है और हम इसे कुकर में रखेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर कर इन्हें 15 मिनट पकाना है। पंद्रह मिनट हो गया है, अब हम नान खटाई चेक करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया
सिक्के तैयार हो गए हैं। अब गैस बंद कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। देखिए नान खटाई को हमने निकाल लिया है, कितनी बढ़िया बनी हुई है, दोनों साइड से बढ़िया पक गई हैं। हमने और बना के रखी हुई है, इनका साइज़ हमने थोड़ा छोटा बनाया है, अब हम इसे कुकर में रख देंगे। इन्हें भी ढक्कन बंद करके 15 मिनट पका लेंगे। देखिए ये भी बनके तैयार है, हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। देखिए सभी नान खटाई को हमने प्लेट में निकाल लिया है, ये कितनी बढ़िया लग रही हैं। नान खटाई बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद है।